गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको अभी हम इंग्लिश का लेक्चर अपना स्टार्ट हो रहा है। मेरा स्कूल का नाम है चारकोप सेक्टर वन म्यूनसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल। हम आज 9वीं कक्षा का इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें राइटिंग स्किल, जो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है, राइटिंग स्किल का सेक्शन सेक्शन राइटिंग स्किल में हम आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसमें हम देखने वाले हैं वर्बल टू नॉन वर्बल। वर्बल टू नॉन वर्बल, आपको एक चित्र यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब क्या होता है, जो कि आप लोगों को शब्द से ही पता चल गया होगा कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब माहिती का आदान प्रदान, पर रूपांतरण उसका। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में ए जो पार्ट होता है, आपको क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पता होगा, जैसे 10th का है वैसे ही सेम टू सेम 9th का भी पेपर का फॉर्मेट है, वो मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ। पर क्वेश्चन का पूरा अगर पेपर आपने देखा होगा, इंग्लिश का अगर पूरा पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपका राइटिंग स्किल सेक्शन स्टार्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लेटर राइटिंग होता है, डायलॉग राइटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो सेक्शन होता है, ए जो पार्ट होता है, उसमें आपको वर्बल टू नॉन वर्बल A1, और A2 में आपको नॉन वर्बल टू वर्बल, ऐसे अल्टरनेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक तो A1 अटेम्प्ट करना होता है, एक तो A2 अटेम्प्ट करना होता है। तो वर्बल टू नॉन वर्बल मतलब आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको पता चल रहा है कि एक जगह से माहिती दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही। ट्रांसफर होना है, आपको पता है कि ट्रांसफर का मीनिंग आप लोगों को पता है। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब माहिती का जो आदान प्रदान हमें करना है, तो एक चीज आपको दी रहेगी, उसका रूपांतरण आपको दूसरे जो फॉर्मेट आपको बताया गया होगा उसमें आपको उसको रूपांतरित करना है, उसको हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर यहाँ पर कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, उसमें का जो एक पार्ट है वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल आपको आगे के लेक्चर में बताया जाएगा। आज के लेक्चर का टॉपिक है आपका वर्बल टू नॉन वर्बल। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने जो अभी बात की आपसे कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, अभी बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, पर एक रिव्यू के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया है कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसे रहता है। क्वेश्चन पूरा इंग्लिश का पेपर जो होता है वो सेक्शन वाइज कैसे होता है, और कौन से सेक्शन में आपको वर्बल टू नॉन वर्बल आता है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पूरा चार्ट आप लोगों को दिखाया है। तो सेक्शन 1 जो होता है उसमें लैंग्वेज स्टडी होता है, जो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें ए एंड बी सेक्शन होते हैं, ए बी आप लोगों को पता है। सेक्शन 2 जो है उसमें टेक्सुअल पैसेजेस आते हैं, जो कि 2 पैसेज आपको पूरे पाठ पूरे बुक में से आपको आते हैं टेक्सुअल पैसेज। अगर सेमिस्टर है तो सेमिस्टर के आधे आधे जो पार्ट हम करते हैं उसमें पहले सेमिस्टर में अगर 2 यूनिट है तो 2 यूनिट में से आपको कोई भी 2 पैसेज आते हैं, सेकंड सेमिस्टर में भी सेम टू सेम आता है। तो ऐसे वो 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद थर्ड जो सेक्शन होता है वो पोएट्री सेक्शन होता है, जो पोएम आपको आपके बुक में से ही, आपका टेक्स्ट बुक जो है वो आप लोगों को सबको मिला है, सब लोग उसी से पढ़ाई कर रहे हैं। देन थर्ड सेक्शन जो होता है क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो होता है, उसमें आपको पोएम एक पोएम दी जाती है, जिसपे आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन जो होता है। एंड देन इसी में सेकेंड पोएम एक पूछी जाती है, जो एप्रिसिएशन के लिए पूछी जाती है। 5 5 मार्क्स के लिए आपको 2 पोएम इसमें पूछी जाती है। तो पूरा जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 है, वो पूरा 10 मार्क्स का आपका होता है। देन आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 जो है उसमें भी ए एंड बी पार्ट्स होते हैं, उसमें नॉन टेक्सुअल पैसेज पूछा जाता है। नॉन टेक्सुअल पैसेज मीन्स जो पैसेज आपके टेक्स्ट बुक में का नहीं होता है, अदर देन योर टेक्स्ट बुक होता है, तो उसको नॉन टेक्सुअल पैसेज कहा जाता है। और वही पैसेज के ऊपर आपको समरी राइटिंग भी पूछा जाता है, सारांश लेखन जिसे हम कहते हैं, वो उसी पे पूछा जाता है। तो ऐसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 होता है। देन हम आते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स सेक्शन जो होता है वो 5th सेक्शन से स्टार्ट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो 5th सेक्शन में से आपको 5 और 6 ऐसे 2 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन 5th में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5वां और 6ठा। तो 5वें क्वेश्चन में आपको ए
हर एक क्वेश्चन में आपको ए एंड बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में ए जो भी है उसमें भी A1 A2 होता है, तो उसमें से आप एक लिख सकते हो, एंड देन बी जो है उसमें भी B1 एंड B2 आता है, उसमें भी आपको एक लिखना ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ए में आपको लेटर राइटिंग होता है, जो कि एक लेटर राइटिंग आपको कंपलसरी लिखना है। देन बी में आपको डायलॉग राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, डायलॉग या रिपोर्ट, उसमें से आपको कोई भी एक चीज आपको लिखनी होती है 5-5 मार्क्स के लिए। देन हमारा जो आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6 में, ए में जो आता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, नॉन वर्बल टू वर्बल या वर्बल टू नॉन वर्बल, एकदम साइलेंट डिफरेंस है दोनों में, जो आपको मैं आगे जब बताऊंगी तब पता ही चलेगा कि नॉन वर्बल टू वर्बल क्या है और वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वर्बल टू नॉन वर्बल, वहाँ पे आपको एक पैरा दिया जाता है, पैराग्राफ दिया जाता है, जो कि आपको संकलित स्वरूप पे माहिती दी जाती है मतलब, और उसको आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में, जो फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है, वही फॉर्मेट में आपको माहिती रूपांतरित करनी होती है, ट्रांसफर करनी होती है, इसीलिए इसको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर सेक्शन भी कहा जाता है। तो वो आपको 5 मार्क्स के लिए आता है, चाहे आप वर्बल टू नॉन वर्बल अटेम्प्ट करो, चाहे आप नॉन वर्बल टू वर्बल अटेम्प्ट कर, दोनों में से एक ही आपको कोई भी लिखना होता है। एंड देन इसमें बी सेक्शन जो होता है वो एक्सपांशन ऑफ थीम होता है, एक थीम आपको दी जाती है, फॉर एग्जांपल एक फ्रेज दी जाती है, मुहावरा मतलब जिस कहते हैं हम, वो दिया जाता है, और उसको आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना होता है। तो एंड लास्ट सेक्शन जो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी जो होता है, वो है ट्रांसलेशन स्किल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं, जो कि हमारे अंदर जो भी स्किल्स है वो इसी में डेवलप होती है। और ट्रांसलेशन मतलब आपको इंग्लिश में कोई वर्ड्स दिए जाते हैं, मुहावरे दिए जाते हैं, सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसको आपकी मदर टंग में, फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी मीडियम है तो आपको हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना होता है, जो 5 मार्क्स के लिए। ऐसे पूरा 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो आपको यहाँ पर बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, और आपको समझ में भी आया होगा कि कौन से क्वेश्चन में, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो आप इजीली इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से उसकी कर सकते हो। और ये जो 9th की जो तैयारी है वो 10वीं के हिसाब से ही तैयारी होती है, इसीलिए ये पैटर्न अगर आप अभी से ध्यान में रखोगे तो आगे जाके भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत ही इजी पैटर्न है। ऐसे ही सेम टू सेम पैटर्न 10th का भी आता है, इसीलिए आपको ये सेक्शन वाइज अच्छे से ध्यान में रखना है, और बहुत इजीली आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोरिंग भी इसमें कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वर्बल टू नॉन वर्बल, तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है, देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इंफॉर्मेशन जो होती है, टू डेवलप द स्किल टू इंटरप्रिट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको जो भी आपके स्किल्स है, आपके जो भी ये है, उसको इंटरप्रिट करना है, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको उसको इंटरप्रिट करना है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपको उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग जो जितना एट्रैक्टिव हम बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका टूरिस्ट आपका शॉप, मतलब आप लोग टूरिस्ट का बिजनेस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अगर वहां पर दर्शाए नहीं आपने कि आपको किधर किधर आपकी टूर्स जाती है, आप कहाँ कहाँ तक लोगों को पहुंचा सकते हो, कहाँ कहाँ तक आप लोगों को घुमा सकते हो, कैसे जाते हो, बाय बस बाय ट्रेन या जैसे भी है, वो अगर आप अच्छे से इस ऐसे फॉर्मेट में एक्सप्लेन करोगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा कि आपका मोटिव क्या है, आपका मोटो क्या है, आपका एम क्या है, अंडरस्टैंड। देन रीड द गिवन फॉर्म्स केयरफुली, वो जो फॉर्म आपको दिए रहते, क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है उसमें आपको फॉर्म ऑलरेडी दिया रहता है कि आपको चार्ट के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना है, आपको टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, आपको वेब के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, आपको पाई डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, कि आपको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देना है या ट्री डायग्राम देना है, ये सब पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है। रीड द पैराग्राफ एंड राइट इट इन ट्री डायग्राम और टेबुलर फॉर्म और वेब चार्ट और चार्ट फॉर्म और पाई डायग्राम, ऐसे सब वहाँ पर सिग्निफिकेंटली वहाँ पर दिया रहता है, जो
जो फॉर्म दिया है आपको, जो फॉर्मेट दिया है आपको, जो फॉर्मेट पूछा है आपको क्वेश्चन में, वही फॉर्मेट में आपको वो माहिती लिखनी होती है. अंडरस्टैंड? देन सॉर्ट आउट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. तो आपको फर्स्ट जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, आपको पहले जो पैरा दिया रहता है, आपको वर्बल टू नॉन वर्बल अगर अटेम्प्ट करना है तो बहुत इजी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें पैराग्राफ आपको दिया रहता है. पैराग्राफ में आप होल इंफॉर्मेशन दी रहती है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको पैराग्राफ में दिया रहता है. तो आपको खाली एक पेंसिल हाथ में रखनी है जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको आपको अंडरलाइन करते जाना है, या अलग जैसे भी आप सोचो. आपकी जैसे आपको सर्कल करना है तो सर्कल कर सकते हो, अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर सकते हो, साइड में लिखना है तो साइड में लिख सकते हो, बट ओनली पेंसिल से. इन कॉर्पोरेट द पॉइंट्स इन अ गिवन फॉर्मेट, देन उसको अरेंज करना है आपको जो फॉर्मेट आपको दिया गया है उसमें. देन यूज अ पेन और पेंसिल टू ड्रॉ अ ग्राफ और फिगर. तो आप जो फिगर या जो भी आप इमेज ड्रॉ करने वाले हो, जैसे ट्री डायग्राम ड्रॉ करने वाले हो, पाई डायग्राम ड्रॉ करने वाले हो, या वेब ड्रॉ करने वाले हो, ये सब शब्द आपको गए हैं और पता है, और आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा कि वेब डायग्राम कैसे होती है. मेरा कर्सर अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो दिस इज कॉल्ड वेब डायग्राम. देन दिस इज अ पाई डायग्राम जो कि आपको मैथ्स में भी है. देन ग्राफ यू ऑल नोन दैट. Then this is a tabular form and it is tree diagram. तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में आपको वो माहिती एक्सप्लेन करनी होती है, जो कि आपको देखो यहाँ पर दिया है एडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टीवी. तो आपको ये सब पॉइंट्स एक पैराग्राफ के तौर पर दिए रहेंगे जिनको आपको सॉर्ट आउट करना है और खाली इसमें लिखना है. और ये अगर पूरा आप अच्छे से लिखते हो तो आपको 5 मार्क्स कोई भी कट नहीं कर सकता है. समझ में आया? तो ये ड्रॉ करने के लिए आप पेन या पेंसिल किसी का भी यूज कर सकते हो. देन अवॉइड टू यूज देयर ओन पॉइंट्स. आपको यहाँ पर खुद के पॉइंट्स यूज नहीं करने हैं, पर ये ध्यान में रखना है आपके मन से कुछ भी नहीं लिखना है. जो पैराग्राफ में रियली दिया है वही आपको लिखना है. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि अवॉइड टू यूज देयर ओन पॉइंट्स. ओन पॉइंट्स यहाँ पर यूज नहीं करने, जो कि हम स्टोरी में करते हैं, लेटर में करते हैं, पर यहाँ पर आपको अपने खुद के पॉइंट यूज नहीं करने हैं. जो आपको पैराग्राफ में दिए हैं, जो माहिती आपको प्रोवाइड की गई है, उसी के तौर पर आपको आगे जो फॉर्मेट दिया है उसको लिखना है. फिर आपको स्टेप्स कैसे आपको एक क्वेश्चन हैंडल करना है, मतलब कैसे आपको अटेम्प्ट करना है. तो स्टेप वन जो होता है, रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड सर्च मेन आइडियाज एंड अंडरलाइन देम और मेक लिस्ट ऑफ देम. जो कि मैंने उसमें भी बताया कि आपको पहले तो पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, और पैराग्राफ बहुत लंबा नहीं होता है, एकदम शॉर्ट पैराग्राफ होता है, 5 से 6 लाइन का पैराग्राफ होता है, जो कि आप इजीली 1 मिनट के अंदर पढ़ सकते हो. तो उसको अच्छे से केयरफुली रीड करना है. एंड देन मेन मेन जो आइडियाज है, फॉर एग्जांपल अगर टाइप्स वहाँ पर दिए है, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, टाइप्स ऑफ मशीन्स, ऐसे कुछ अलग ऐसे दिया है, और हेडिंग जरूरी होता है. कोई भी अगर आप राइटिंग स्किल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपको, जैसे कि स्टोरी राइटिंग है तो उसमें भी हेडिंग इम्पॉर्टेंट है, समरी राइटिंग उसमें हेडिंग इम्पॉर्टेंट है, वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल दोनों भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उनमें से एक ही करना होता है, पर उसमें भी हेडिंग इज इम्पॉर्टेंट. हेडिंग बहुत ही मेन होता है क्योंकि उसको एक मार्क्स होता है, अलग अलग मार्क्स का भी बाइफर्केशन उसमें दिया रहता है, क्योंकि आप जो पूरा लिखते हो उसके हेडिंग के लिए अलग मार्क्स होते हैं, आप जो पॉइंट्स लिखते हो उसके लिए अलग मार्क्स होते हैं. तो रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड सर्च मेन आइडियाज. सर्च, पहले मैंने बताया कि पैराग्राफ पढ़ते वक्त आपको पेंसिल हाथ में रखनी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर पे पेन से कुछ भी नहीं लिखेगा, वो आपका फॉल्ट समझा जाता है. समझ में? इसीलिए पेंसिल से अंडरलाइन करो, पेंसिल से राउंड करो, और बाद में इरेज कर दो जब आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए. देन सर्च मेन आइडियाज एंड अंडरलाइन देम और मेक लिस्ट ऑफ देम. तो आप उसकी लिस्ट बना सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो. दिस इज अ स्टेप वन. देन स्टेप सिलेक्ट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन.
जो आपको दिया रहेगा, क्योंकि इसमें से आपको सिलेक्शन नहीं करना है, ऑलरेडी आपको ये सिलेक्ट किया हुआ ही होता है क्वेश्चन में। हियर वी हैव टू चूज अ नॉन वर्बल फॉर्मेट टू रिप्रेजेंट द गिवन वर्बल इंफॉर्मेशन। जो वर्बल टू हम पढ़ रहे हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल, यहाँ पर एक ही ध्यान में रखना है, वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको एक पैरा दिया रहता है और उसको अलग अलग फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करना होता है। जो फॉर्मेट आपको दिया है वहां पर, तो उसको हम नॉन वर्बल फॉर्मेट कहते हैं, जो कि वी कैन यूज ट्री चार्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे भी दिखाया था कि ट्री डायग्राम क्या होता है, टेबल चार्ट, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप उसका कर सकते हो। तो आपको चूज करना है कि आप कौन से फॉर्मेट में उसको लिख रहे हो, कौन से फॉर्मेट में आपको उसको बनाना है। अगर वहां पर नहीं दिया है तो, अगर वहां पर फॉर्मेट ऑलरेडी दिया है कि रीड द पैराग्राफ एंड ड्रॉ इट इन ट्री डायग्राम और रीड दिस इंफॉर्मेशन इन टू ट्री डायग्राम, पाई चार्ट, ऐसे अगर ऑलरेडी वहां पर सब्जेक्ट आपको उसका नाम आइडेंटिफाई या पूरा वहां पर दिया है, तो आपको वही फॉर्मेट यूज करना है, आपके मन से कोई भी अलग फॉर्मेट यूज नहीं करना है। देन वी कैन यूज ट्री चार्ट, टेबल चार्ट, फ्लो चार्ट। तो ट्री डायग्राम मतलब अपना पेड़ नहीं निकालना होता है, कोई कोई बच्चे वो भी ट्राई करते हैं कि ट्री डायग्राम बोला है, मतलब जैसे हम ड्राइंग के इसमें ट्री निकालते हैं ना, वैसे ड्रॉ करते हैं ट्री, वैसे नहीं होता है। तो ट्री डायग्राम मैंने आपको बताया है कि कैसे होता है, ये देखो, ये जो है ना ट्री एरो करके जो होता है डायग्राम, इसको ट्री डायग्राम कहते हैं। तो ऐसे ही ट्री डायग्राम आपको बनाना होता है, और उसमें अलग अलग जो पॉइंट्स है, जो पैराग्राफ से रिलेटेड पॉइंट्स है, वो आपको वहाँ पर लिखने होते हैं। देन स्टेप थ्री होता है टाइटल योर डायग्राम और चार्ट, जो कि मैंने आपको, इट्स कंपलसरी आपको जो भी पॉइंट्स है, मतलब पैराग्राफ जिस विषय पर दिया है आपको, तो समझ में आ ही जाता है। अगर फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ फ्यूल्स है, तो आप उसको फ्यूल चार्ट लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ फ्यूल लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूल लिख सकते हो, ऐसे अलग अलग हेडिंग्स आप जिस आपको जो मन में आ रहा है वो पैराग्राफ को देखते हुए, वो हेडिंग आपको ऊपर पैराग्राफ से रिलेटेड होना चाहिए, वो हेडिंग आपको कंपलसरी देना है। जो कि आप डायग्राम निकाल रहे हो, चार्ट निकाल रहे हो, ट्री डायग्राम है, उसके ऊपर आपको हेडिंग इज कंपलसरी, हेडिंग आपको देना ही है। एंड थिंक एंड गिव अ टाइटल द चार्ट एक्यूरेटली। आपको सोचना है कि क्या आ सकता है इसका हेडिंग, अगर कोई स्टोरी है उसका भी हम हेडिंग देते हैं, टाइटल देते हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के ही देते हैं ना, स्टोरी से रिलेटेड ही देते। वैसे ही ये चार्ट से रिलेटेड या उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही आपको उसको हेडिंग देना है। देन स्टेप फोर जो होता है, यूज साइंस, साइन यूज कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल यूज प्रॉपर साइंस, बॉक्स, बार्स, एरोज, सर्कल्स एटसेट्रा। मतलब आप ट्री डायग्राम भी निकाल रहे हो तो उसको भी आप बॉक्स बना सकते हो या बार्स बना सकते हो। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें आप खाली लिख के नहीं आ सकते हो, उसको अच्छे से डेकोर मतलब बार्स बनाने, बार्स मतलब जो स्टैंडिंग आप मैथ्स में भी बनाते हो, पता है सबको, सिंगल बार, डबल बार, या एरो से भी आप दर्शा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एरो से ही दिखाया है, ये जो है यहाँ पर एरोज दिखाए हैं, तो ऐसे एरो का साइन भी आप यूज कर सकते हो। बट साइन यूज करना कंपलसरी, चाहे आप एरो यूज करो, चाहे आप बार्स यूज करो, चाहे आप बॉक्स यूज करो, चाहे आप सर्कल यूज करो, कुछ भी आप साइन यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर वेव डायग्राम है, तो आप वेव डायग्राम में यहाँ पर रेक्टेंगल यूज किया, आप यहाँ पर स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, सर्कल यूज कर सकते हो, अलग अलग शेप्स या साइंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो पर वो यूज करना जरूरी है। स्टेप फोर है जो कि लास्ट स्टेप है, यूज प्रॉपर साइंस, बॉक्स, बार्स, एरोस, सर्कल्स एटसेट्रा, जो भी आप यूज करना चाहते हो। अभी फॉर्मेट्स, जो कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग फॉर्मेट्स आपको पूछे जाते हैं, कि पैराग्राफ दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन दी है, एंड देन कन्वर्ट इट इंटू गिवन फॉर्मेट। देन गिवन फॉर्मेट कौन से थे, फॉर एग्जाम्पल ट्री चार्ट, तो ट्री चार्ट मैंने आपको पहले भी इसका एक सैंपल दिखाया है, तो आपको यहाँ पर भी दिखा रहा होगा डिसीजन ट्री। देखो ए हेडिंग दिया है, टाइटल, दिस इज अ टाइटल, एंड देन ड्रॉ अ ट्री डायग्राम लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ एरोज और बॉक्सेस।
आप बॉक्स भी बना सकते हो, एरोज भी ये कर सकते हो, और अच्छे तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये जो एक एक पॉइंट्स है उनको मार्क्स है, आप जितने राइट पॉइंट्स लिखोगे उतने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए ध्यान में रखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 5-6 लाइन का पैराग्राफ होता है तो उसमें मेन मेन पॉइंट्स तो अपने को तुरंत समझ में भी आ जाते हैं, और वही मुद्दे खाली यहाँ पर जो पूछा गया है आपको उसमें ही आपको लिखना है, वही टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना होता है। जैसे ये देखो, ये इस प्रकार का एक ट्री डायग्राम आप निकाल सकते हो, देन ऐसे सीधा सीधा जो ब्रिक्स वाला होता है टाइप्स अगर है तो ऐसे आप बना सकते हो, तो आप रेक्टेंगल के अलावा आप सर्कल यूज कर सकते हो, स्क्वायर यूज कर सकते हो, कुछ भी आप शेप यूज कर सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल है। तो ये पेन या पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो दिस इज ट्री चार्ट, यहाँ पर आपको दो सैंपल्स दिखाए हैं और एक सैंपल मैंने पहले ही दिखाया है, तो अलग अलग तरीके से आप ट्री चार्ट बना सकते हो। देन वेब चार्ट, वेब चार्ट तो आपको पता है क्योंकि टेक्सुअल पैसेज में भी जो A2 क्वेश्चन आता है उसमें भी बहुत बार आपको वेब कंप्लीट द वेब क्वेश्चन आता है, तो वेब मतलब जाल, ये सबको पता है, जो जाल एक ही व्यक्ति से या एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है तो उसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। तो दिस इज अ लीडरशिप एंड डेटा वेब, तो लीडरशिप एंड डेटा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जैसे प्लानिंग है, डिजाइन है, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, इन्वेंटरी असेसमेंट, ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब पॉइंट्स उससे रिलेटेड है, इसीलिए उनको एक गोला प्रकार में या सर्कुलर टाइप में हमने यहाँ पर लिखा है और उसको जोड़ा है किससे, लीडरशिप एंड डेटा से। समझ में आए? तो ऐसे आपको वेब चार्ट, वेब मतलब जाल, वो सबको समझ में आता है, वेब सर्कुलर इसमें हम बना सकते हैं। तो दिस इज फॉर्मेट वन, चार्ट के स्वरूप में मतलब ये है, तो वेब चार्ट या ट्री चार्ट हम बना सकते हैं। तो चार्ट अगर आपको पूछा जाता है, अगर आपको ये फॉर्मेट दिया जाता है तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, और पॉइंट्स खाली आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखने होते हैं। ये जो सेंटर का पॉइंट होता है ना, ये कभी कभी आपको ऐसे ड्रॉ करके भी दिया रहेगा, तो जो दिया है खाली उसी को रिपीट ड्रॉ करना है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है मतलब जो ब्लैंक्स है ये सर्कल्स, उसमें खाली आपको माहिती भरनी होती है। देन नेक्स्ट फॉर्मेट है पाई चार्ट। पाई चार्ट्स जैसे कि आपको ये मैथ्स में है तो आपको वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पाई चार्ट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिवर्स की इंफॉर्मेशन है या रेन की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि बारिश कौन से राज्य में कितनी बारिश होती है, कितने परसेंट बारिश होती है, तो आपको अलग अलग राज्यों के नाम दिए रहेंगे उस पैराग्राफ में, और उसमें कितने कितने परसेंट आपको बारिश हो रही है, 20%, 36%, 40%, 50%, उस हिसाब से ही आपको नाप लेके जो ये पाई डायग्राम बनाते हो, पाई चार्ट है, मैथ्स में मैथ्स से रिलेटेड है, तो आपको वो अलग अलग, और उसके बाजू में देखो यहाँ पर अलग अलग कलर के जो माहिती दी, जैसे कि रेड कलर है, रेड कलर क्या दर्शाता है, रेन इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल, देन येलो, येलो कलर रेन इन राजस्थान, ऐसे अलग अलग आप कलर कर सकते हो, कलर स्कीम तो आप आपके हिसाब से कर सकते हो, अगर कलर नहीं, क्योंकि आप पेपर में तो कलर्स नहीं लेके जाओगे बिकॉज इट इज नॉट अ ड्राइंग पेपर, ड्राइंग सब्जेक्ट, सो आप पेंसिल से अलग अलग डिजाइन इसमें बना सकते हो, वो भी चलेगा, कहाँ पर आप स्टैंडिंग लाइन बनाओ, कहाँ पर स्लिपिंग लाइन बनाओ, कहाँ पर छोटे छोटे गोले बनाओ, जो कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाते हो तो वैसे भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और इस तरीके से आप उसका पाई चार्ट बना सकते हो। देन सेकंड टाइप भी यहाँ पर दिया है, ऐसे भी पाई चार्ट आप उसका बना सकते हो सर्कुलर में, ये 3-6 पूरा सर्कल निकाल के उसका जो नाप लेके हम करते हैं अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से, जिसका कम है उसको कम, ज्यादा है तो ज्यादा दिखना चाहिए यहाँ पर, समझ में है ना? तो ऐसे हम पाई चार्ट्स अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं, और वो माहिती हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, पर बाजू में ये लिखो, नहीं तो फिर यहाँ पर ही इसके अंदर ही लिख दो कि गुजरात में कितनी बारिश, कितने परसेंट बारिश है, महाराष्ट्र में कितनी है, यूपी में कितनी है,
आंध्रा में कितनी है, केरल में कितनी है, ये सब जो भी माहिती आपको पैराग्राफ में दी है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना होता है। देन थर्ड जो फॉर्मेट है वो है ग्राफ्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं। तो लाइन ग्राफ जो भी है वो ऐसे लाइन से हम बनाते हैं, तो जो अगर प्रोग्रेस हो रही तो लाइन ऊपर जाएगी, अगर नहीं है तो उस पॉइंट पर नीचे आएगी। तो ऐसे स्केल लेके भी हम लाइन ग्राफ बना सकते हैं, जो कि खाली पेपर में ही बनाना है, इसके लिए ग्राफ वाला पेपर की जरूरत नहीं है, ये जैसे आप स्केल से बना सकते हो। देन बार ग्राफ के तौर पर भी आप बना सकते हो। बार ग्राफ सभी को पता है, बॉक्स के जरिए आप उसको दिखाते हो बार के जरिए, तो आप वो इस प्रकार भी वो माहिती आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड देन लास्ट फॉर्मेट है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फ्लो जैसे जाता है, एक चीज हो एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप, दूसरी के बाद तीसरी। जैसे आपको ऑनलाइन शॉपिंग का एक दिया है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट जो पोएम है, फर्स्ट या सेकंड इसमें आपको दिया है इंग्लिश का बुक, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। ऑनलाइन शॉपिंग का जो स्टेप्स आपको दिया है, देखो कॉन्वर्सेशन दिया है, डायलॉग राइटिंग, और उसके नीचे आपको 5 स्टेप्स बताई गई है कि शॉपिंग आपको ऑनलाइन शॉपिंग आप कैसे कर सकते हो, वो तो आपको पता है, पर तो भी आप ऐसे एरो के जरिए ये स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जैसे ही फ्लो जा रहा है वैसे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अलग अलग तरीके से आप दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सीधा सीधा रेल के डब्बे के जैसे दिखाया है, देखो एक के बाद पीछे दूसरा, दूसरे के आगे तीसरा, तीसरे के आगे चौथा, पांचवा, छठा, जो भी है पूरी इंफॉर्मेशन आप ऐसे ही एक लाइन टू लाइन आगे कर सकते हो। जैसे कि इसमें फ्लो चार्ट हम कब लिखते हैं, जैसे कोई स्टेप्स दी है आपको, मैं टी मेकिंग स्टेप्स है, कुछ रेसिपी की स्टेप्स है, या कुछ जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बताया तो उसकी स्टेप से। ऑनलाइन शॉपिंग में हम पहले स्टेप क्या करते हैं, पहले तो अपने पास स्मार्टफोन होना जरूरी है, उसके बाद उसमें हम गूगल से वो ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई भी ऐप है जैसे अमेजोन है या फर्स्ट क्राई है, कोई भी ऐप हम वहाँ पर डाउनलोड करते हैं, फिर उसमें सर्चिंग करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, क्लॉथ्स है, या हाउस होल्ड थिंग्स है, तो हम वहाँ पर वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको कार्ट में डालते हैं, कार्ट मीन्स बास्केट, बास्केट में हम सेव करते हैं, एंड देन पेमेंट एंड देन डिलीवरी। समझ में, ऐसे स्टेप्स जो होती है वो हम इस तरीके से फ्लो चार्ट के जरिए हम वहाँ पर बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टाफ इंश्योरेंस या स्टूडेंट माइती, ऐसी आप कोई भी स्टेप बाय स्टेप जो माइती है वो आप फ्लो चार्ट के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट जो होता है वो बहुत ही इजी तरीके से आप उसको लिख सकते हो। फ्लो चार्ट में अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एक स्ट्रेट फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा अगर इसमें बाइफर्गेशन है तो एक पॉइंट लिख के हम उसके दो पॉइंट, दो टाइप्स अगर है सब टाइप्स तो उसको बाइफर्गेट कर सकते हैं, फिर दोनों को मिला के अगर है तो ऐसे बीच में भी एक बना सकते हैं। तो ऐसे तरीके से भी हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं, रिसोर्सेस का बना सकते हैं, साइंस में भी बहुत सारे फ्लो चार्ट हम खुद से भी बना सकते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ध्यान में रखनी है, या कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको ध्यान में रखनी है, या कोई भी ऑर्गन का फंक्शन आपको ध्यान में रखना है, तो आप पॉइंट वाइज ऐसे चार्ट बना के आपके घर में भी लगा सकते हो, ताकि आपको पॉइंट वाइज ध्यान में रहे, तो आप एक्सप्लेन उसको कर लोगे, पर पॉइंट्स ध्यान में रहने चाहिए, इसलिए शॉर्ट बट स्वीट मेथड है ये, स्टडी के लिए भी बहुत आसान है। तो आप ऐसे पॉइंट्स लिख के भी एक चार्ट बना के रख सकते हो, और वो तो अपने क्वेश्चन में भी है, इसलिए हम उसकी प्रैक्टिस उस तरीके से भी कर सकते। तो फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो चार्ट अगर आपको बोला गया है तो आप अलग अलग तरीके से फ्लो चार्ट पैराग्राफ में जो माहिती प्रोवाइड की गई है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर आपको एक उदाहरण के तौर पर मैंने एक पैराग्राफ लिया है, स्पेसिमेन मतलब एग्जाम्पल, या एक कॉपी आपको यहाँ पर दी गई है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड कंप्लीट द गिवन डायग्राम। आपको डायग्राम भी दिया गया है, खाली उसको कंप्लीट आपको करना होता है। देयर आर डिफरेंट
अभी पैराग्राफ देखो, ये इतना सा ही पैराग्राफ आपको आता है, वो पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, और पैराग्राफ को पढ़ते हुए आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप उसको 1 मिनट, हाँ, तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो कि उसको आप कैसे मेन मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हो। देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है, फ्यूल्स से रिलेटेड है, तो पेंसिल से ऐसे आप अंडरलाइन कर सकते हो। देन ब्रॉडली दे आर डिवाइडेड इन एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, तो 3 टाइप्स अपने को यहाँ पर ही मिल गए। किसमें डिवाइड हो रहे हैं वो, सॉलिड में डिवाइड हो रहे हैं, लिक्विड में डिवाइड हो रहे हैं एंड गैसियस में डिवाइड हो रहे हैं। तो आप ऊपर आप लिख सकते हो काइंड्स ऑफ फ्यूल्स, उसके बाद आप 3 एरो बना सकते हो, सॉलिड लिक्विड गैसियस फ्यूल्स, तो सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल, ऐसे भी लिख सकते हो। अभी देखो, सॉलिड फ्यूल्स इंक्लूड सब्सटेंस सच एज वुड, कोल एंड कोक, मतलब सॉलिड के नीचे, सॉलिड के अंडर आप ए पॉइंट्स लिख सकते हो। सॉलिड फ्यूल में क्या इंक्लूड होता है, उसमें क्या समाविष्ट होता है, तो वुड आता है, कोल आता है, कोक आता है। देन मोस्ट लिक्विड फ्यूल, अभी और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, पर वो अपने को लिखने हैं क्या, नहीं, जो आपको यहाँ पर माहिती दिया गया है खाली उसी को ही आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन लिक्विड फ्यूल्स में क्या होता है, मोस्ट लिक्विड फ्यूल्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम सच एज पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, समझ में, ऐसे आपको अंडरलाइन करते जाना है, तो पॉइंट्स आपको तुरंत मिल जाएंगे और वही पॉइंट्स खाली आपको उसमें कॉपी करने होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस फ्यूल्स आर, अभी आ गया गैसेस फ्यूल्स का, तो कौन से होते हैं, नेचुरल गैस एंड वाटर गैस। देन नेचुरल गैस इज अ फ्यूल दैट इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, तो नेचुरल गैस के यूजेस आप लिख सकते हो नेचुरल गैस के नीचे कि उसके यूजेस क्या है, फॉर कुकिंग एंड ईटिंग, मतलब नेचुरल गैस हम अपने कुकिंग के लिए, गैस के लिए यूज करते हैं, तो हम कुकिंग मतलब जो खाना बनाने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस एज अ फ्यूएल हम उसको यूज कर सकते हैं, ईंधन के तौर पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको अभी एक पैराग्राफ, 1 मिनट खाली लगा होगा इसको ज्यादा से ज्यादा, तो पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते ही आपको, अगर पैराग्राफ एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा तो एक बार तुरंत फटाक से पैराग्राफ पढ़ लो, और फिर नेक्स्ट सेकंड टाइम जब पढ़ोगे तब पेंसिल से अंडरलाइन करते जाओ, तब तो ध्यान में आ ही जाएगा तुरंत कि यहाँ पर क्या दिया है, काइंड्स ऑफ फ्यूल्स दिए है, मतलब टाइप्स ऑफ फ्यूल्स दिए है, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स में कितने प्रकार है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऐसे 3 टाइप्स हो गए। देन सॉलिड जो फ्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि ऊड है, कोल है, कोयला है, मतलब जैसे लाखूड कोयला हम उसमें यूज कर सकते हैं। देन मोस्ट लिक्विड फ्यूल्स भी हम यूज करते हैं, जैसे कि जो अपनी व्हीकल्स होती है, व्हीकल्स किस पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है, केरोसिन पे चलती है, डीजल में चलती है, तो वो सब लिक्विड में आ जाता है। एंड गैसेस में क्या आता है, नेचुरल गैस और वाटर गैस आता है, तो हम नेचुरल गैस जो होता है वो कुकिंग और ईटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेने हैं, जबकि आपको फिर जब आप ट्री डायग्राम बनाने जाओगे या जो भी आपको फॉर्मेट दिया है, तो ऐसे आपको फॉर्मेट दिया रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, यहाँ पर मैंने लिखा है पर ये आपको ब्लैंक आएगा, खाली काइंड्स ऑफ फ्यूल लिखा रहेगा, बाकी ये जो चीजें है जैसे कि ये जो पार्ट है खाली यहाँ पर डायग्राम से ड्रॉ किए होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा, ये खाली रहेगा। तो आपको ये यहाँ पर ऐसे ये बनाना है, जो सॉलिड का वुड जो है वो आपको करना होता है, तो आप उसको कर सकते हो इस तरीके से। आप फिर आपको ऐसे ट्री डायग्राम मतलब ब्लैंक ट्री डायग्राम दिया रहेगा, तो आपको खाली काइंड्स ऑफ फ्यूल लिखा रहेगा, तो उसके आगे आपको देखो मैंने बताया था कितने टाइप्स किए हमने, तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको, ये देखो जैसे अंडरलाइन किया था काइंड्स ऑफ फ्यूल अंडरलाइन किया था, देन उसके 3 टाइप्स दिए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो कि हमने यहाँ पर देखो दिखाया है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों आ गए पॉइंट्स। देन सॉलिड में क्या क्या था, वुड था, कोक था और कोल था,
तो तीन प्रकार से हमने उसको दर्शाया, ये ऐसे दर्शा है क्योंकि डायग्राम ही वैसे आपको दिया है, खाली आपको ये जो बॉक्स होते हैं ना वो भरना होता है। अगर बॉक्स नहीं दिए तो आप बना सकते हो आजू बाजू से बॉक्स, पर आपको खाली उसमें उड़ को कोल, तो ऐसे अगर आपने अंडरलाइन किया है तो आपको तुरंत वो शब्द मिल जाएंगे और तुरंत आप लिख सकते हो, नहीं तो फिर एक एक बनाओगे एक एक पढ़ोगे ऐसे ज्यादा टाइम लगता है। तो उसके अलावा आपने अगर अंडरलाइन करके रखे है देन यू विल इजी टू राइट इट। देन लिक्विड, लिक्विड के भी तीन थे, डीजल पेट्रोल एंड केरोसिन, और गैसेस में दो प्रकार थे, नेचुरल गैस एंड वाटर गैस। ऐसे आप लिख सकते हो क्योंकि आपको इतना ही चार्ट दिया है तो आपको उतना ही फिलअप करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, समझ में है? अगर ये सब के सब पॉइंट्स आपके सही है एंड मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द हेडिंग और टाइटल ऑफ द चार्ट, टाइटल ऑफ ट्री डायग्राम और पाई चार्ट जो भी आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उसका हेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो काइंड्स ऑफ फ्यूएल ए उसका हेडिंग ही है जो कि आपको पैराग्राफ में भी पता चल जाता है, पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये देखो काइंड्स ऑफ फ्यूएल, तो आप ऐसे ही कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, एक टॉपिक का नाम आप पैराग्राफ में से भी चूज कर सकते हो, तो आप काइंड्स ऑफ फ्यूएल से आपने हेडिंग दे दिया टाइटल दे दिया ऐसे ही दोगे तो आपको तुरंत उसका एक मार्क्स आधा मार्क्स जो भी है वो मिल जाएगा। देन ये जो चार्ट पूरा आपने निकाला है अगर सेम टू सेम ऐसे ही अच्छे तरीके से आपने पूरा लिखा है तो आपको 5 मार्क्स आसानी से मिलने वाले हैं, कितने 5 मार्क्स, और बहुत इजी है, आपको समझ में भी आया होगा, बहुत इजीली आप इसको ड्रॉ कर सके, ड्रॉ करने के मतलब ये आपको ब्लैंक फॉर्मेट तो ऑलरेडी कभी कभी दिया ही रहता है उसमें, नहीं तो कभी ऐसे लिखा होता है कि ट्री डायग्राम बनाओ, तो ट्री डायग्राम बनाओ तो आप ऐसे तरीके से ट्री डायग्राम बना सकते हो, यहाँ पर ये सर्कल लिया है कहाँ पर रेक्टेंगल लिया है, तो आप सीधा सीधा भी बना सकते हो, जितने भी मैंने टाइप्स आपको दिखाए ट्री डायग्राम के वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मेट नहीं दिया है तो, अगर जो दिया है तो उसी में आपको लिखना है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे पैराग्राफ पढ़ना है और फिर उसको अंडरलाइन कैसे करना है, और वही पॉइंट्स आपको फिर बाद में गिवन डायग्राम जो होती है जो आपको प्रोवाइड किया हुआ फॉर्मेट होता है उसमें आपको कैसे दर्शाना है। देन नेक्स्ट है, और एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है, तो ये सबको आपको टाइप समझ में आ गए होंगे कि कैसे आपको करना है। देन आपको जो क्वेश्चन नंबर मैंने ये पहले ही बताया आपको कि आपको इन दिस क्वेश्चन पैराग्राफ इज गिवन एंड कन्वर्ट इनटू ट्री डायग्राम टेबल फॉर्म चार्ट फॉर्म पाई डायग्राम लीफलेट, लीफलेट भी बना सकते हो आप, लीफलेट इन द सेंस आपको ऐसी पूरी माहिती आपको जहां पर जाना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू योर नेटिव प्लेस फॉर गणपति वैकेशन और गणेश फेस्टिवल, तो आप आपके गांव तक वहां पर फेमस क्या है, आप वहां पर क्यों जा रहे हो, आपको वहां पर अगर जाना है कोई अगर प्लेस है जो कि आप टूरिस्ट प्लेस है तो वहां पर अगर आपको जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, बाय ट्रेन बाय बस बाय रोड जो भी है वो सब इंफॉर्मेशन आपको टेबुलर फॉर्म में वहां पर बनानी होती है, तो उसको लिफलेट कहते हैं। देख यहाँ पर भी मैंने एक पैराग्राफ आपको दिया है, द कॉज ऑफ डिसीजेस, मेनी डिसीजेस सच एज मलेरिया टाइफाइड इन्फ्लुएंजा, ये जो है देखो यहाँ पर भी आप अंडरलाइन कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो, जैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं द कॉज ऑफ डिसीजेस, ये तो हेडिंग ऑलरेडी आ ही गया आपका, देन कैसे कौन से डिसीजेस है, मलेरिया है टाइफॉइड है इन्फ्लुएंजा है, ऐसे अलग अलग डिसीजेस आप लिख सकते हो, एंड द रीजन और कॉजेस आर एयर एंड वाटर पोल्यूशन, तो उसके रीजंस क्या है आपके, एयर एंड वाटर पोल्यूशन है, दीज डिसीजेस आर कॉज बाय वायरसेस एंड मीडियम ऑफ ट्रांसफर इज इन्फेक्टेड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, तो कैसे होते हैं ये डिसीजेस, वायरस से होते हैं या कंटेमिनेटेड वाटर से होते हैं, और फिर समटाइम्स डर्टी वाटर एंड फूड बैड ईटिंग हैबिट्स कैन कॉज दिस डिसीजेस लाइक ओबेसिटी डायबिटीज, तो उसकी वजह से कौन से डिसीजेस हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकता है, मोटापा हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, देन हाइपरटेंशन हो सकता है, ऐसे अलग अलग आप
डिसीजेस यहाँ पर होते हैं और किसकी वजह से होते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर उसका देखो एक चार्ट यहाँ पर बनाया है कि टाइप्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ये हेडिंग दिया है, और फिर उसके डायरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, ऐसे तीन अलग अलग उसके डिवाइडेशन किए हैं। डायरिया किसकी वजह से होता है उसके सिम्टम्स दिए हैं, कॉलेरा किसकी वजह से होता है उसके सिम्टम्स दिए हैं, और टाइफॉइड किसकी वजह से होता है, क्योंकि ये सब माहिती आपको पैराग्राफ में दी है और वही खाली आपको ऐसे ट्री डायग्राम के तौर पर एक्सप्लेन करना है। जैसे डायरिया है कॉज बाय रोटा वायरस बैक्टीरिया, वो दिया है वहां पर, उसके सिम्टम्स दिए, कॉलेरा और उसके सिम्टम्स, टाइफॉइड और उसके सिम्टम्स दिए हैं। तो ऐसे सब माहिती आपको यहाँ पर दिया गया है, मतलब जो पैराग्राफ आपको दिया है उसी के तौर पर आपको ये माहिती ऐसे एक्सप्लेन करनी है, ऐसे प्रकार से आपको लिखनी होती है। तो इसी को हम वर्बल टू नॉन वर्बल कहते हैं। मतलब एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उससे ही आपको जो फॉर्मेट दिया रहेगा उसमें आपको वो चीजें सब लिखनी होती है। समझ में आया होगा सभी को कि जो अलग अलग फॉर्मेट्स मैंने आपको बताए हैं उस तरीके से ही आपको वो बनाना होता है। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप वर्बल टू नॉन वर्बल जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो और बहुत इजी है, क्योंकि पैराग्राफ में ही सब माहिती आपको दी है, खाली वहां से कॉपी करके आपको उतारना होता है जो फॉर्मेट में आपको पूछा है। तो आप ट्री डायग्राम के फॉर्म में पूछ सकते हो, लिख सकते हो, या अलग अलग जो फॉर्मेट मैंने बताया, फ्लो चार्ट बताया, या लाइन ग्राफ या बार ग्राफ बताया, पाई चार्ट बताया, ट्री चार्ट बताया, वेब चार्ट बताया, उस तरीके से भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बट ये फॉर्मेट आपको वहां पर पूछा है वही फॉर्मेट आपको उसमें बनाना है। जो आप पूछा नहीं, अगर आपको पूछा है ट्री डायग्राम और आपने निकाला वेब चार्ट, तो वैसे नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? आपको जो फॉर्मेट वहां पर दिया है उसी में ही आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी ट्री डायग्राम दिया था तो ट्री डायग्राम में ही आपको लिखना था, ऐसे ही आपको लिखना था तो वैसे ही आपको बनाना है। अगर यहाँ पर ट्री डायग्राम पूछा है और आपने बनाया कुछ अलग ही, तो वैसे एक्सेप्ट नहीं होगा, जबकि आपका आंसर भी सही रहेगा पर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए आपको जो फॉर्मेट दिया है, ट्री डायग्राम बोला है तो आपको ट्री डायग्राम ही बनाना है, टेबल फॉर्म दिया है तो आपको टेबुलर फॉर्म ही बनाना है, वेब चार्ट बोला है तो आपको वेब चार्ट ही बनाना होता है। तो जो फॉर्मेट आपको दिया रहता है वही फॉर्मेट आपको लिखना होता है। तो बच्चों आपको किसी को कुछ डाउट है तो पूछना है। थैंक यू वेरी मच। 2 मिनट्स बाकी है तो आप पूछ सकते हो। 5 जी, आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो कि कैसे लिखना है, पर बहुत अच्छी तरीके से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हेलो हो। टीचर, फिर हाँ बोलो। से एक बार दिखाओ ना, ये होमवर्क करना है क्या? नहीं, ये तो आपको जब पैटर्न पेपर आप सॉल्व करोगे तब आपको ये प्रैक्टिस के तौर पर आप कर सकते हो। आप टीचर, अगर मुझे बाद में भी स्क्रीनशॉट यूट्यूब लेना पे था। ये देखोगे तो आप ये लिख के ऐसे ही बना सकते हो। यूट्यूब चैनल ओके पे ये अगर आपको फिर से दिखेगा तो आप ये लिख सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर से पिछले 10वीं के है, 9वीं के है, तो उसमें से भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके टीचर, समझ में आए? यस। और किसी को कुछ हेलो डाउट टीचर, है? क्या हाँ, वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब? वर्बल टू नॉन वर्बल जो है उसमें आपको पैराग्राफ है। वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या दिया है? आपको पैराग्राफ दिया है और उसके उसके उसकी जो माहिती है आपको टेबुलर फॉर्म में, अलग अलग ये फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करनी होती है। बट नॉन वर्बल टू वर्बल में इसके उल्टा होता है, जे उसमें ऐसी माहिती दी रहती है आपको और फिर उसका कन्वर्शन आपको पैराग्राफ में करना होता है। समझ में आया? डिफरेंस इतना ही है। वर्बल टू नॉन वर्बल में आपको पैराग्राफ दिया रहता है, उसको आपको टेबुलर या फ्लो चार्ट या अलग अलग फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना होता है, और उसके अपोजिट नॉन वर्बल टू वर्बल में आपको माहिती टेबुलर फॉर्म में दी रही, ऐसे फॉर्म में दी रहेगी, इससे आपको पैराग्राफ बनाना होता है। समझ में आया? उल्टा प्रोसेस करना होता है नॉन वर्बल टू वर्बल में, इतना ही ध्यान में रखना। हाँ अंडरस्टैंड? और कुछ डाउट है किसी को?
हेलो, किसी को और कुछ डाउट है इसके बारे में? ठीक है बच्चों, वर्बल टू नॉन वर्बल का पैटर्न जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप अलग अलग पैसेज में से इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।